पखंड लिया चलने से पहले तो गरुड़ ने अपनी माता से यहाँ पहुँचने का वचन लिया है। अगर वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाई तो किसकी प्रतीक्षा कर रही है सखी? नारायण नहीं आएंगे। मैं जानती हूं, मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रही, मैं उनकी किसी विशेष भक्त की प्रतीक्षा कर रही हूं। आपको वहां आना होगा मामा, अखंड दिया जलने से पहले पहुंचना होगा आपको। करूर, तेरी और प्रभु नारायण की इच्छा है कि मैं विवाह में आऊं, किंतु मेरी भी विवशता है। आपने तो मुझे सुखी होने का वरदान दिया था ना भगवान, मेरे भाग्य में इतना ही सुख लिखा था। ऐसा नहीं है विमाता, क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? आशा, उन्होंने आपको आशा दी थी और आशा से ही तो प्रयास का जन्म होता है। हाँ विमाता, आप बस सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना कीजिए और फिर देखिएगा, आपका विश्वास अवश्य आपको हर उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहती हैं। जब सारा संसार ही आपके चरणों में है तो ये सात लोग अवरोध कैसे बन सकते हैं? और आपने मुझे निमंत्रण भिजवाया था ना, इसका अर्थ ये है कि आपकी इच्छा है कि मैं आपके विवाह में सम्मिलित हूं, और प्रभु आपकी इच्छा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य कदरु दीदी तो क्या इस संसार के किसी भी प्राणी में नहीं हो सकता। कदरु दीदी ने मुझे चुनौती दी है तो आपने मुझे अपनी भक्ति की शक्ति दी है। अब प्रश्न है मेरे संस्कार, मेरे पुत्र के विश्वास और मेरी आस्था का। प्रभु, यदि मेरी आस्था दृढ़, यदि मेरी भक्ति और श्रद्धा में तनिक भी सच्चाई है, तो आप इसका फल मुझे अवश्य देंगे। आप स्वयं मुझे पहुंचाएंगे मां लक्ष्मी तक। कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं आ चुकी हूं यहां पे और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं है। इस द्वार पे तुम्हारे स्वागत के लिए कोई नहीं है, इससे चिंतित हो तुम। और मुझे देखो, मुझे तो किसी ने निमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी तुम यहां चली आई। कदरु, अगर प्रश्न तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा का होता तो तुम भी यही करती। ये सत्य है कि मंथन के कारण देवताओं के साथ संधि हुई है हमारी, पर अभी भी संदेह समाप्त नहीं हुआ मेरा। ये सब मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र करे ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। वैसे भी अब जब मैं आ गई हूं तो इन सबको स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा मेरा। और स्वागत सत्कार है क्या कदम? मेरा महत्व इतना अधिक है कि आज अखंड ज्योत की रीत में देवी लक्ष्मी वही दिया जलाएंगी जो मैं भेंट करूंगी, क्योंकि मेरा दिया सबसे सुंदर है। स्वागत
स्वर्ण के दिए में वो विशेषता कहा जो इस दिए में। देख लेना, तो देवी लक्ष्मी मेरे इस उपहार रूपी दिए को ही अपने अखंड सौभाग्य का दीप बनाएगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप सबके बीच हूं। अब हुआ विश्वास? बड़े मूल्यवान आंसू हैं ये, इन्हें संभाल कर रखे। यदि गवा दिए तो फिर विदाई के समय कहां से लाओगी? सत्यविंता, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। जानती हो, तुम्हारे पुत्र गरुड़ ने पहली भेंट में ही मेरा मन मोह लिया था। अब पता चला उसे ये विशेषता कहां से मिली। एकदम सत्य कहा आपने सखी, आपके पुत्र ने इस मंथन में साहस, धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। और पता है इससे क्या पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कैसे कुछ दे सकती हूं? देने वाली तो आप हैं देवी, आप सबकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सदैव सुखी रहो। उठो विंता, ये विवाह संपन्न होने तक ऐसे ही हस्ती मुस्कुराती रहो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.